नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है और आज हम बना रहे हैं मूंग दाल बड़े और साथ में पनीर चिल्ले। एक कप मूंग मोगर मोगर दाल, आधा कप मूंग दाल छिलके वाली, इनको दोनों को साथ में मिला के धो लेते हैं और 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देते हैं। 3 से 4 घंटे भिगोई दाल हमारे पास है, इसका पानी निकाल देते हैं। छिलके नहीं जाने देने हैं, नहीं तो प्रोटीन कम हो जाता है। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो 3 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। यदि हरी मिर्च कम खाते हैं तो आप कम डालें। अदरक को टुकड़े को छील के उसके साथ ही पीस लें। दाल हमारी पीस लिए, हम इसको बाउल में खाली कर लेते हैं। इसको थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लेते हैं, पूरा बारीक नहीं करना है। ये हो गया हमारा धनिया, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। कोई लहसुन नहीं खाएं तो हरी मिर्च, सिर्फ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये हमने ये प्याज, इनको हम कट कर लेते हैं छोटे टुकड़ों में। देखिए बिना पीसी हुई दाल, थोड़ी सी इसमें डालेंगे तो इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने स्वाद के हिसाब से, फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4, फिर इसमें डालेंगे हम लाल मिर्ची 1 चम्मच, आप ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो। फिर इसमें डालेंगे हम हींग, यदि प्याज नहीं खाते हो तो आप हींग डाल सकते हो, नहीं तो हींग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें हरा धनिया जो हमने बारीक कटिंग करके रखा है, और अब इसमें डालेंगे हम प्याज, क्योंकि प्याज के बगैर तो बड़े अच्छे नहीं बनते हैं। अब कर लेंगे हम इनको मिक्स। दो स्पून गरम तेल ताकि बड़े एकदम सॉफ्ट बने, हाथों से मिक्स। नमक अगर अपने हिसाब से देख लें, कम ज़्यादा हो तो, ज़्यादा होना नहीं चाहिए, कम हो तो वो डाल सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम बड़े तलना शुरू करते हैं, छोटी छोटी साइज़ के डालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। हमारे दाल बड़े बन गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। हमारे बड़े बन के तैयार हैं, अब हम बनाएंगे पनीर चिल्ला। जो हमने बड़े बनाए थे उसका बैटर, और ये है 2 प्याज जो हम बारीक कटिंग कर लेंगे। ये है 1 शिमला मिर्ची,
एक छोटा टमाटर, अदरक मिर्ची का पेस्ट, हरा धनिया, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, लहसुन डाल सकते हो। जो लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, वो स्किप कर सकते हैं उसकी जगह आप। अब हम बना रहे हैं पनीर चिल्ला। पहले 2 चम्मच डालते हैं ऑयल, इन सारी सब्जियों को सोते करना है क्योंकि नहीं तो फिर चिल्ले में कच्ची रह जाएगी। पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज की दोनों सोते करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसमें डालेंगे हम टमाटर, क्योंकि टमाटर में पानी होता है, उसको सुखाना है नहीं तो फिर चिल्ले गीले हो जाएंगे। डालेंगे शिमला मिर्ची, अब हम इसमें डालेंगे अदरक मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, ये नमक चिल्ले में भी आने वाला है तो इसमें थोड़ा डालेंगे। ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हरा धनिया। सब्जियां सोती हो गई हैं और इनका टमाटर का पानी भी सूख गए हैं, तो इसको उतार लेते हैं और अब हम रखेंगे इस बैटर को रेडी। इसमें अदरक और हरी मिर्ची तो पहले से थोड़ी डली हुई है, अब थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट, वन फोर्थ टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची और नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, वो आप देख लें कम ज़्यादा। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग, हालांकि हींग डालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने स्टफिंग बनाई है उसमें प्याज है, फिर भी थोड़ी डाल देते हैं। यदि आप स्टफिंग नहीं बनाएं तो अभी आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं इनको। हम बैटर को करेंगे थोड़ा रेडी क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा है, थोड़ा पतला करना पड़ेगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज़्यादा पानी होगा ज़्यादा गीला हो सकते हैं। फिर आगे गैस को कर दिया चालू और तवा रख दिया है, अभी हम इस पर डालेंगे बैटर। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको कैसा मोटे पतले कैसे चाहिए। उसको थोड़ा होने देते हैं, अब इस चारों तरफ से इसके डालेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल ताकि आराम से और निकल जाए, और फिर इसको दोनों साइड से सेकना भी है। गैस को कर देंगे मीडियम,
इसको हम वापस पलटा देते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गया है इसे से। अब हम डालेंगे इस पे स्टफिंग। कम ज़्यादा आपके हिसाब से। फिर इसके ऊपर डालेंगे हम पनीर। अब इसको दोनों साइड से कर देते हैं फोल्ड। ये देखिए पनीर चिल्ला रेडी है, एकदम गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार बारिश के मौसम में। खाइए और बरसात का मौसम लुफ्त उठाइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको कुछ नया देखना हो, यदि आपको कोई नई रेसिपी देखनी हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।